आज हम सब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब इस भारत माता को, इस मादरी वतन को, इस अपनी मदरलैंड को, मातृभूमि को अपने आराध्या मान करके, ये देश मात्र के मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यहाँ हमारे लिए माँ की तरह, जैसे माँ हमें जीवंत रूप में जीवन देने वाली दिखती है, ऐसे ये मातृभूमि माँ की तरह हमें करुणा देने वाली, माँ की तरह हमें पालने वाली अपनी गोदी में। इस मादरे वतन से ही हमारा ये तन बना है, हमारे शरीर में खून का एक एक जर्रा, रक्त की एक एक बूंद, वो इस मातृभूमि की मिट्टी से बनी है। यहाँ की खुली हवाओं में सांस लेकर के, यहाँ का अन्न जल खा पी करके, हमारे खून का एक एक कण बना है। इसलिए आज हम ये संकल्प लें कि मेरे शरीर में जब तक लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी और जब तक मेरा आखिरी श्वास रहेगा, मैं अपने देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूँगा, इसकी सेवा करूँगा। ये है आज का स्वतंत्रता दिवस का संकल्प। और ये हमारे जिहान में, हमारे मन प्राण आत्मा में ये विचार, ये भाव, ये संकल्प रहना चाहिए कि मेरा सब कुछ मेरी मातृभूमि से है, मेरे वतन से है। और इसी संकल्प के साथ साथ 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके और इस देश को पराधीनता की बेड़ियों से, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया, चाहे उसमें हिंदू थे, चाहे हमारे मुस्लिम भाई थे, चाहे जिसका जो मजहब था, चाहे कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, ऐसे ही सारे डिस्क्रिमिनेशन, सारे भेदभाव मिटा करके, भुला करके, हम सब एक ईश्वर की, उसको खुदा बोलो, परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान है। और इस संकल्प के साथ कर्म को अपना धर्म मान करके, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय मजहब हैं, धर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा कर्म है। हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा राष्ट्र सुखी हो, राष्ट्र आगे बढ़े। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और हम इस देश को खुशहाली के मार्ग पर ले चलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सीमाओं पर जाकर के लड़ेंगे तब हम देशभक्त कहलाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम मिसाइल बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे, या उनके द्वारा हम युद्धों में सम्मिलित हो जाएंगे तब हम देशभक्त कहलाएंगे। ये सच है कि देश की सीमाओं पर लड़ना, जूझना और अपने प्राणों की आहुति देना, उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, ये भी देशभक्ति है। लेकिन 125 करोड़ भारतीयों की देशभक्ति है कि जो हमारा उत्तरदायित्व है, चाहे हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, उस अपने कर्तव्य को प्रामाणिकता से निर्वहन करना, ये देशभक्ति है। एक किसान अपने खेत में बिना यूरिया डीएपी के, बिना केमिकल्स के अच्छा अन्न उपजाता है और सबको, जो प्राणों का पोषक है, जीवन का रक्षक है, ऐसा अन्न देता है, तो वो अन्नदाता किसान भी देशभक्त है। देशभक्ति के लिए मात्र गोली और बारूदों की, राइफल्स की, एटम बम की, मिसाइलों की जरूरत नहीं है, अपने काम की जरूरत है। हम में से, आप में से बहुत से ऐसे भाई हैं जो अच्छे से खेती कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति है। जो सुरक्षा के काम में लगे हैं वो भी एक देशभक्ति है। जो शिक्षा चिकित्सा के काम में लगे हैं वो भी एक देशभक्ति है। जो एक मैकेनिकल काम करते हैं, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, हर बार मैं देखता हूँ जब से पतंजलि योगपीठ बनाए, ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में यहाँ तिरंगा लेकर के, हमारे जो बड़े हैं इनके साथ में यहाँ पर सम्मिलित हो जाते, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पड़ोसी हैं सारे, और कितनी खुशी से, प्रसन्नता से आते हैं। और कोई मुस्लिम भाई हमारा मैकेनिकल काम कर रहा है, कोई हमारा भवन बनाने का काम कर रहा है। देश निर्माण का मतलब कोई हथियारों का ही निर्माण नहीं है कि हमने कितने हथियार बना दिए, देश का निर्माण हो गया। ये भवन बनाना भी देशभक्ति है। जो हमारे कारीगर रात दिन मिलकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, जो हमारे चलने के लिए अच्छे रोड बनाते हैं, वो सब देशभक्ति कर रहे हैं।
जो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं वो भी देशभक्ति कर रहे हैं, जो अच्छे से सफाई कर रहे हैं, यहाँ पतंजलि योग पीठ में आते हैं, आज इसको बने हुए 14 वर्ष हो गए। इन 14-15 वर्षों में पतंजलि योग पीठ को इस तरह से आप लोगों ने मेंटेन किया है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है मैं उनको भी उतना ही देशभक्त मानता हूँ जितना हमारे सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिक देशभक्त हैं। तो सफाई ठीक से कर रहा है ये भी देशभक्ति है। जो यहाँ चिकित्सक हैं दवाई दे रहे हैं वो भी लोगों का इलाज कर रहे हैं ये भी देशभक्ति है। तो देशभक्ति का मतलब अपना कर्म है। मैंने तो तीन ही चीज़ें जीवन में सीखी हैं, अपने दिमाग में कोई बुरा विचार मत रखो, दुर्विचार मत रखो, अपने दिल में कोई दुर्भावना मत रखो और कोई बुरा कर्म दुष्कर्म मत करो। सद्विचारों से, सद्भावों से, सत्कर्मों से हम देश की भक्ति करते हैं। बाकी तो कोई भारत माता की जय, कोई वंदे मातरम, कोई जय हिंद, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद, अलग अलग नारे हम बोलते हैं, ये अलग हो सकते हैं, हो सकता है गीत भी अलग अलग गाएं। अभी हम वंदे मातरम जन गण मन अधिनायक बोलते हैं, आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, अलग अलग हम अपने अपने भावों को स्वर देते हैं। हमारे कविताएं, हमारे गीत, हमारे शब्द स्वर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे सब का जो कर्म है वो ऐसा हो जिससे कि अपना देश आगे बढ़े। तो आप सब ऐसे ही भाई बहन हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में है, अपने अपने अलग अलग सेवाओं के क्षेत्र में आपने अपने कर्म से इस मातृभूमि का गौरव बढ़ाया है। और पिछले 25 वर्षों में हमने ऐसे कर्म किए जिससे कि एक एकड़ भूमि से ये पतंजलि योगपीठ का अनुष्ठान शुरू हुआ और आज सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि पर ही नहीं दुनिया के 200 से अधिक देशों में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और अपने पूर्वजों की संस्कृति का गौरव हमने बढ़ाया है। ये भारत माता की सेवा हमने विनम्रता के साथ की है और इसमें आप सबका साथ रहा है, आप सबके आशीष रहे हैं, अन्यथा हम इन दो हाथों से ये इतना बड़ा अनुष्ठान संपन्न न कर पाते। हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ आगे बढ़े और हम सब मिल करके आगे बढ़ते रहे। आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का अनुष्ठान, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सा के सेवा का काम, दुनिया का सबसे बड़ा योग और आयुर्वेद में अनुसंधान का काम और अपने वैदिक संस्कृति और अपने पुरातन ज्ञान परंपरा को नूतन अनुसंधानों को साथ में जोड़ करके उसको नव गौरव प्रदान करने का काम, और जो स्वदेशी खाली थॉट प्रोसेस में थी उसको जमीन पर उतार करके और विदेशी कंपनियों के सामने खड़ा होकर के खाली उनका मुकाबला ही नहीं दिया, उन विदेशी कंपनियों से ज्यादा एक कीर्तिमान स्थापित करके और उनसे बड़ा एक काम यदि कोई करके दिखाया तो पतंजलि ने करके दिखाया। सब ये कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज जो विदेशी कंपनियां देश का हजारों लाखों करोड़ों अरबों का धन दौलत लूट करके विदेश ले जाते हैं, स्वदेशी को अपनाओ, देश को बचाओ, लेकिन ये देश कैसे बचेगा, इसको आप सबके आशीषों से पतंजलि ने करके दिखाया। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी के गौरव को हृदय में संजो करके स्वदेश की भाषा, स्वदेश की वेशभूषा, स्वदेश की शिक्षा, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेशी शिक्षा तंत्र, स्वदेशी चिकित्सा तंत्र, स्वदेशी कृषि तंत्र, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का गौरव अपने हृदय में समेट करके हम इस स्वदेशी के व्रत में खुद जिएंगे और इस देश को हम सबल बनाएंगे। इन संकल्पों के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो एक एक संकल्प से अपनी मातृभूमि गौरवान्वित होती है और ऐसा ही कार्य आप सब ने अपने अपने क्षेत्रों में किया है। पतंजलि में तो ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों की सामूहिक सेवा की, सामूहिक श्रम की एक सशक्त अभिव्यक्ति मात्र है। आप सब इस अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने इस भारत माता की, अपने राष्ट्र धर्म के निर्वहन की इस पावनी परंपरा का निर्वहन करें।